ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को अपने सिम कार्ड में कैसे सेव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को अपने सिम कार्ड में सेव करना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट को अपने सिम कार्ड में सेव करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर कोने में थ्री डॉट दिखेंगे, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो गाइस ये आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। यहाँ पे आप जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारा सेटिंग के अंदर है, आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हमारा अंदर है तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट नीचे है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट ऊपर नहीं आपको देखना है, यहाँ पे आपको नीचे देखना है। एक्सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको एक्सपोर्ट में यहाँ पे आपको दो सिम कार्ड दिख रही हैं। तो गाइस, आपको सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपको फर्स्ट वाले सिम कार्ड में अपने मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट हैं वो फर्स्ट वाली सिम में ऐड करने हैं या सेकंड वाली सिम में ऐड करने हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। सिम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे आपको फ़ोन का दिख रहा है ऑप्शन, तो गाइस यहाँ पे आपको फ़ोन का भी ऑप्शन दिख सकता है और आपको डायरेक्ट नंबर भी आपको शो हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम फ़ोन पे क्लिक करेंगे। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सेव थे। यहाँ पे मेरे फ़ोन में 5 कॉन्टैक्ट सेव हैं, तो देख सकते हैं हमें वो कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ब्लर करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने कॉन्टैक्ट को आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम अभी 4 कॉन्टैक्ट को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप जितने भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके जो कॉन्टैक्ट हैं सिम में ऐड हो चुके हैं, सिम वन में ऐड हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिम वन में ये कॉन्टैक्ट ऐड हो चुके हैं। तो गाइस ऐसे आप अपने कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी सिम कार्ड में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।